हेलो फ्रेंड्स, एबीएस 72 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार। आज का क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तो अंतर 11/30 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे माना कि भिन्न बराबर कहता है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, हर से एक अधिक है। इसका मतलब यह होता है कि जो हर है वो अंश से एक कम है। अब क्वेश्चन में यह भी है कि भिन्न का व्युत्क्रम अर्थात अभी इसका अंश x है और हर x माइनस एक है, तो अब इसका व्युत्क्रम अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा x माइनस 1/x, मतलब अब इसका हर अंश हो गया और अंश हर हो गया। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए, ये जो हमारा भिन्न है, ये जो भिन्न है इससे इसका व्युत्क्रम घटा लिया जाए तो अंतर 11/30 होता है। अंदर 11/30 होता है। तो अब हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम x माइनस 1 इंटू x हो जाएगा। अब x माइनस 1 से जब इसको भाग देंगे तो मिलेगा x, और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, तो माइनस। अब x से भाग देंगे x कट जाएगा, मिलेगा x माइनस 1, और x माइनस 1 से x माइनस 1 में गुना करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 11/30। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा, यहां एक्स से जब हम एक्स में गुना करेंगे तो यह भी एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस, और एक्स से एक में गुना करेंगे तो एक्स बराबर 11/30 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, एक का स्क्वायर एक, माइनस माइनस प्लस, दो से एक्स में तो 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 11/30। अब ये प्लस में एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो मिलेगा माइनस 1/2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 11/30। अब हम इसे क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 11 बराबर, अब इसे इसमें गुना करते हैं तो 30 गुना माइनस 1 प्लस 2x। अब गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर में हम 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 11x स्क्वायर माइनस, तो माइनस, और x से जब हम 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 11x बराबर 30 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो माइनस 30, और ये प्लस तो प्लस, और ये 30 दुना 60x हो जाएगा। अब ये 11x स्क्वायर माइनस 11x, अब ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 60x, और यह भी माइनस में, जैसे LHS लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 30 बराबर में हो जाएगा 0। अब 11x 11 और 60 माइनस में 71x हो जाएगा, और ये प्लस 30 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, हमें यह एक द्विघात समीकरण मिल गया, तो इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 11 और सबसे अंतिम वाला पद 30 को हम गुणा करते हैं, अर्थात जब हम 11 में 30 से गुणा करेंगे 11 गुना 30 तो हमें मिल जाएगा 330, और इस 330 को गुणनखंड के हमको माइनस में 71 लाना है, तो इस 330 का हम गुणनखंड कर लेते हैं तो 11 से भाग देंगे तो 30, और फिर ये जब 6 से भाग देंगे तो मिलेगा 5। तो अब हमें माइनस में 71 लाने के लिए
हम इसे लिख सकते हैं 11 6 66 और 5, 66 5 71 हो जाएगा। लेकिन हमें यहां माइनस में 71 लाना है, तो माइनस में 71 लाने के लिए हम माइनस में 66 और -5 तब जाकर -71, अर्थात ये संभव नहीं है, हम इस रूप में लिखेंगे। तो ये 11x² - 66x - 5x + 30 बराबर हो जाएगा 0। अब यहां भी 11, अच्छा ये 6 × 11 लिख सकते हैं और 30 को 5 × हम 6 लिख सकते हैं। अब इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 11x कॉमन कर लेंगे तो 1x बचेगा -6 माइनस, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन करते हैं तो x, प्लस से माइनस कॉमन किए तो माइनस और ये बचेगा 6, बराबर हो जाएगा 0। अब x माइनस 6 और ये भी x माइनस 6, 11x - 5 बराबर हो जाएगा 0। अब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 6 और ये 11x - 5 बराबर 0, 11x = 5 चूंकि अभी LHS से RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो x = 5/11। तो चूंकि हमें भिन्न लिखना है तो इसीलिए भिन्न बराबर x / x - 1 है, यहाँ x का मान 6 तो 6/6 - 1 अर्थात 6/5, ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।